उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रिकेट में सट्टे का संचालन किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सट्टा लगाने वाला युवक खाराकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाला है, जो अपने आप को कई नेताओं और रसूखदार लोगों का खास बताता है और पुलिस से निडर होकर क्रिकेट में सट्टा चला रहा था। उज्जैन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली और घेराबंदी करके अपने आप को पावरफुल बताने वाले उक्त क्रिकेट मैच का सट्टा चलाने वाले बदमाश युवक को उसके बेटे सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 3 लाख रुपये से ज़्यादा नकदी और करोड़ों रुपये के हिसाब का लेन देन मिला है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है, उर्फ प्रवीण राय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, क्या है पूरा मामला? ये सट्टे का, अवैध सट्टे का संचालन किया करता था। आमतौर पे ये उज्जैन में ना रह के इंदौर जाके इस चीज़ का संचालन किया करता था, तो उसको पकड़ने में काफ़ी तकलीफ़ आ रही थी हमको, तो हमें काफ़ी दिन लगे। हमें इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, मुखबिर सूचना थी कि इस तरीके का कार्य करता है, तो आज सूचना के आधार पर हमने इसको ऑन द रोड, ऑन द वे इसको हमने पकड़ा। वहाँ से ये एंडेवर गाड़ी के अंदर जा रहा था, तो वहाँ से हमें कुछ कैश मिला, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और पेन ड्राइव ये सारी हमने सीज करी। तो उसके बाद जब हमने इसने मोबाइल की तलाशी ली, तो हमको पता चला कि इसके घर पे जो इसका पुत्र है वो इसको फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है। ये दोनों रिमोट एक्सेस से एक दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करते हैं और वो भी यहाँ पे सट्टा खेल रहा है। हमने उसको वेरीफाई करने के लिए इनके घर पे दबिश दी, तो वहाँ से हमको काफ़ी कैश मिला। तो टोटल कैश जो इन दोनों से हमें सीज हुआ वो 3,71,000 के आसपास कैश सीज हुआ, और 2 LCD TV सीज हुई, 1 लैपटॉप और मोबाइल की संख्या भी मुझे पता नहीं है, बट 10-11 मोबाइल सीज हुए हैं, 1 कैलकुलेटर और 1 एंडेवर गाड़ी हमने सीज की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।